फिरोजाबाद थाना नारखी क्षेत्र के अंतर्गत बचकाव चौराहे पर इंडियन शेख अब्बासी अल्पसंख्यक महासभा की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। अख्तर हुसैन एडवोकेट सचिव उत्तर प्रदेश, शम्मी कपूर अब्बासी जिलाध्यक्ष इंडियन शेख अब्बासी महासभा ने अपने मासिक बैठक के दौरान बताया कि आज अब्बासी महासभा अपना जिले में 1 लाख से लेकर 14 लाख वोटों की अहमियत से लगता है। उसके बावजूद भी हमारा संगठन आज हर चीज़ से पीछे है, चाहे वह शिक्षा की बात हो, राजनीति में हिस्सा हो या फिर अब्बासी महासभा के उत्थान की बात हो। आज हमारा समाज पिछड़ों से भी पीछे है, जबकि इतनी बड़ी तादाद में होने के बावजूद भी आज हमारे समाज को राजनीतिक दल हो या शिक्षा जगत हो, बहुत पीछे रखते हैं। मासिक बैठक में महत्वपूर्ण विषयों को लेकर आगामी टुंडला उप विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने बताया कि जैसे कि टुंडला अब विधानसभा चुनाव में तैयारियों जोर शोरों से है, टुंडला विधानसभा में भी हमारे 30,000 वोटर हैं, उसके बावजूद भी सभी राजनीतिक दल हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं, जबकि चुनाव में हमेशा से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते चले आ रहे हैं। उसी प्रत्याशी को हम दमखम के साथ चुनाव में विजयी बनाएंगे। बैठक के दौरान रिहान अली अब्बास, आरिफ अब्बासी, सोनू अब्बासी, रईस कादरी, मुबारक अब्बासी आदि लोग उपस्थित रहे। वो आगे अमृतसर की तरफ चलती रहेगी, ठीक है। और मैं कहना चाहूंगा, शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे सोनू अब्बास साहब जिन्होंने ये मैसेज दिया है कि अब्बासी समाज अब एक जगह इकट्ठा हो रहा है। जब तक लोग इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक समाज बिखर रहेगा, तो हमारे कोई भी राजनीतिक पार्टी हम लोगों को फायदा बनती है। वो कहते हैं राजनीतिक पार्टी आपका पूरा, मेरा शम्मी कपूर अब्बासी, जिला अध्यक्ष अब्बासी महासभा। ये मीटिंग हुई थी, किस वजह से हुई थी, क्या मामला था? हमारी मीटिंग आज मासिक बैठक थी इस टुंडला विधानसभा के गांव डोलू के आयोगों ने की थी। आयोग का नाम है आसिफ अब्बास साहब, रेहान अब्बास साहब और सोनू अब्बास साहब, मुबारक अब्बास साहब। ये बैठक इसलिए रखी गई थी कि हमारी समाज की तरक्की कैसे हो, हमारी समाज की तरक्की के रास्ते कैसे आगे आए। हम चाहते हैं कि हमारी समाज आगे आए, हमारी समाज के लोग भी आईएएस पीसीएस की तैयारी करें, हमारी समाज के लोग भी एमएलए एमपी बने, हमारे समाज के लोग भी ब्लॉक ग्रुप चेयरमैन बने। इसलिए हम लोगों ने अब हमारी समाज जागरूक करने का काम चालू कर दिया है। हमारी समाज जागरूक हो रही है, इसलिए गांव गांव देहात देहात में जाके नगर जाके अपनी अब्बाई समाज की बात रख रही है। और हमारी समाज फिरोजाबाद के अंदर, पूरे जिले के अंदर हमारी समाज का 1 लाख से लेकर 1,40,000 तक वोट है अब्बासी समाज का। और हमारी टुंडला विधानसभा में 35,000 अब्बासी है। टुंडला विधानसभा के अंदर जब हमारी समाज को सम्मान मिलेगा, हम सम्मान के साथ ही उस आदमी के लिए सम्मान के काम करेंगे। अख्तर हुसैन अब्बासी एडवोकेट। ये मीटिंग हुई है, किस वजह से हुई है? आज ये हमारी इंडियन शेख अब्बासी अल्पसंख्यक महासभा की मासिक बैठक हुई है विधानसभा टुंडला के गांव डोड़ी में। तो किस विषय में चर्चा हुई थी? ये हमारे संगठन को लेके, जो हमारा संगठन है पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहा है, उसमें प्रत्येक जिले में हमारी सारी संस्थाएं बनी हुई हैं, और वो संस्थाएं जितनी भी हमारे संस्था के लोग हैं वो प्रत्येक जिले में मासिक बैठक बुलाते हैं और हमारे तरक्की के क्या रास्ते हैं, हमारे लोगों ने क्या क्या किया, हमारा पिछड़ापन है वो कैसे दूर हो, हमारे लोग शिक्षा में वंचित हैं उन्हें कैसे मालूम पड़ी शिक्षा में आगे बढ़ाया जाए, राजनीति क्षेत्र में हमारे लोग वाजिब हक नहीं दे पाती पार्टियां, उनको कैसे हमारी पार्टियों को वाजिब हक दिया जाए, ऐसे मसलों को लेकर हमारी आज बैठक हुई है। जिसमें अभी हाल में ही फिरोजाबाद के विधानसभा इस टुंडला में विधानसभा चुनाव होना है, और उस चुनावों में हमारी संगठन की अहम भूमिका रहेगी। और हमने अपने लोगों को जागरूक किया है और बताया है कि आप लोग जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं उसमें हमारे लोग जो संगठन में इकट्ठे करने के बाद हमें जो वाजिब हक मिलेगा उसके साथ भी हमारी संगठन खड़ा हुआ है, और इसी मसले को लेके हमारी रूपरेखा तैयार करने के लिए हमें यह बैठक बुलाई है।